मुकदमा। आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं दिन भर की खबर। मधुबनी जिले में विस्फोटक रूप लेता जा रहा है कोरोना का संक्रमण। अब जेल की चार दीवारी में भी पहुंच गया कोरोना। रामपट्टी मंडल कारा में एक साथ 14 कैदी मिले कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। जिले में आज फिर मिले 15 नए कोरोना संक्रमित मरीज। इसके साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या हुई 576, जिसमें 431 लोगों ने दी है कोरोना को मात। कोरोना से अब तक 2 लोगों की हुई है मौत। मधुबनी पेंटिंग से बने मास्क की बड़ी मांग। देश के जाने माने हस्तियां कर चुके हैं प्रशंसा। जिला प्रशासन ने मिथिला पेंटिंग से मास्क बनाने वाले लोगों की मांगी है सूची। झंझारपुर के अररिया संग्राम में प्रस्तावित मिथिला हाट बनने का मार्ग हुआ परास। डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र एवरे ने की प्रस्तावित मिथिला हाट के डीपीआर की समीक्षा। आर्किटेक्ट आदर सिंह और टीम ने मिथिला हाट मॉडल की दी प्रस्तुति। हरलाखी में प्रवासियों के डेटा एंट्री को लेकर बीडीओ ने की बैठक। बीओ सहित क्वारंटाइन सेंटर के प्रभारी रहे मौजूद। सभी प्रवासियों के डेटा को ऑनलाइन एंट्री 100% करने का दिया निर्देश। बिना मास्क लगाए घर से निकलने वालों पर कार्रवाई हुई तेज। हरलाखी में बीडीओ व थाना अध्यक्षों के द्वारा क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहे पर बिना मास्क लगाए घूमने वालों को लगाया जुर्माना। हरलाखी के उमगांव सीएससी में नहीं है स्त्री रोग चिकित्सक। एएनएम भी नहीं रहती है ड्यूटी पर। भगवान भरोसे होता है मरीजों का इलाज। प्रसव के लिए आए महिला मरीजों को हो रही परेशानी। हड़ाकी में आपसी विवाद को लेकर गर्भवती महिला से मारपीट कर फोड़ दिया सर। उमगांव सीएससी में इलाजरत पीड़ित महिला के फट बयान पर मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। लखनौर सीडीपीओ और सुपरवाइजर पर सेविका चयन में अनियमितता का आरोप। बेहटी उत्तरी पंचायत के एक अभ्यर्थी ने व्यवहार न्यायालय में चयनित अभ्यर्थी सीडीपीओ और सुपरवाइजर के विरुद्ध दायर किया परिवाद। लखनौर में 2 शराब कारोबारी सहित मारपीट और गोली कांड के फरार अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कछुआ पंचायत से सहरवा टोल के 2 शराब धंधेबाज 16 लीटर नेपाली देसी शराब के साथ चढ़ा पुलिस के हाथ। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे 30 क्विंटल छुहारा को एसएसपी के जवानों ने किया जब्त। ट्रैक्टर पर लाद नेपाल से तस्करी कर लाया जा रहा था छुहारा। चालक सहित तस्कर गिरफ्तार। कस्टम विभाग कर रहे मामले की जाँच। जिले में लगातार हो रही वर्षा और नेपाल के तराई क्षेत्र की भारी बारिश से कमला नदी का बढ़ा जलस्तर। नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने से भीषण बाढ़ का मंडरा रहा खतरा। जिला प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट घोषित। बिस्फी में देसी कट्टा व कारतूस के साथ एक युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे। बतौना ओपी पुलिस ने नरसाम चौक के साथ मोहम्मद सदरे आलम को देसी कट्टा और कारतूस पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। मधेपुर बाजार में जल जमाव से नारकीय बनी स्थिति। कई दुकानों और घरों में घुसा वर्षा का पानी। मुख्य सड़क पर 1 से 1.5 फीट जल जमाव से लोगों को हो रही परेशानी। नेपाल सहित मैदानी क्षेत्रों में रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कोसी एवं कमला नदी में बाढ़ का मंडराने लगा खतरा। कोसी दियरा के कई गाँव में फैला बाढ़ का पानी। जल अधिग्रहण इलाके में लगातार हो रही बारिश से नदियों के जलस्तर में पुनः होने लगी वृद्धि। बेनीपट्टी में लोगों को सताने लगा बाढ़ का खतरा। बछराजा नदी में उछाल तो धौंस नदी लबालब। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते टेस्ट की प्रक्रिया हुई तेज। झंझारपुर थाना के थाना अध्यक्ष समेत 18 पुलिस कर्मियों का अनुमंडल अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट हेतु लिया गया सैंपल। बेनीपट्टी के अरेर थाना पुलिस ने बिजलपुरा डकैती कांड के आरोपी को किया गिरफ्तार। कपसिया गांव में छापेमारी कर अपराधी मोहम्मद गफूर को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। बेनीपट्टी के परोल पंचायत में शुरू हुआ नल जल योजना। पंचायत के 4 वार्डों में मुखिया ने नल जल योजना का किया उद्घाटन। सैकड़ों घरों में पहुंचने लगा नल का शुद्ध जल। अपर समाहर्ता ने जयनगर पहुंचकर लिया कमला बलान नदी के जल स्तर का जायजा। आईएमडी से प्राप्त सूचना एवं विगत के 2 दिन से हो रही मूसलाधार वर्षा के कारण जयनगर में कमला नदी खतरे के निशान पर। जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। मरवापुर में पीएनबी बैंक के शाखा प्रबंधक और बैंक मकान मालिक के बीच जमकर हुई मारपीट। दोनों तरफ से मामला दर्ज कर घटना की जांच में जुटी पुलिस। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ मिस्टर न्यूज।